देश की पुलिस भले ही सुरक्षा के लाख दावे करती हो, लेकिन मुरादाबाद के इसके विपरीत उस वक्त नजर आया जब पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर ही एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने छीन लिए और फरार हो गया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से पूछताछ शुरू की। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र अंतर्गत मंडी समिति चौकी के पास का है, जहां पर पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर ही बने एक होटल पर चाय पी रहे एक व्यापारी की कार से नकाबपोश बदमाश पैसे उड़ाकर फरार हो गए। जनपद संभल के सिरसी के निवासी राजा जब अपने दो साथियों के साथ मुरादाबाद ही कुछ खरीदने के लिए आ रहे थे, तभी मंडी समिति में चाय पीने के लिए रुके। इतने में ही पीछे से आए नकाबपोश बदमाशों ने पैसे से भरे बैग को छीन लिया और फरार हो गए। ये देख जब पीड़ित ने शोर मचाया तो वहां आसपास भी भीड़ इकट्ठी हो गई और मौके पर पहुंचे एसपी सिटी से निरीक्षण किया। तभी एसपी सिटी ने पीड़ित के घर पर बात की, जिसमें नया पहलू सामने आया। एसपी सिटी ने बताया कि घर वालों का कहना है कि पीड़ित 2.5 लाख रुपए लेकर मुरादाबाद गए थे। वहीं दूसरी तरफ अयूब खान का कहना है कि वह मुरादाबाद 4 लाख लेकर आए थे। फिलहाल पुलिस पैसे लेकर फरार हुए बदमाशों को ढूंढने में लगी है। एसपी सिटी का कहना है कि जल्द ही इन्हें सलाखों के पीछे लाया जाएगा। गोला क्षेत्र अंतर्गत मंडी समिति के पास प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सिरसी संबल से दो अन्य व्यक्तियों के साथ एक गाड़ी में आए थे। वो चाय पीने के लिए रुके थे, तो जिस समय वो चाय पी रहे थे तो गाड़ी में रखा हुआ एक बैग, पीछे से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आए और बैग उठाकर वहाँ से आगे फरार हो गए। इस सूचना पर तुरंत घटनास्थल पर पहुँचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। वादी से भी बात की गई है, जितनी रकम पहले बताई जा रही थी, परंतु जब उसके घर वालों से बात की गई तो रकम में जो है विरोधाभास प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है। सभी तथ्यों पर जांच चल रही है, मुकदमा पंजीकृत कराकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने बदमाश बताए जा रहे हैं? अभी तक जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है वो एक बाइक पर दो व्यक्ति की बात सामने आ रही है। किस तरह से मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, ये जो है मतलब किस लिए आए थे किसान का ये कहना है कि यहाँ पर ये गाड़ी खरीदने के लिए आए थे और इन्होंने पहले भी कुछ एडवांस उस कंपनी को दिया हुआ है, परंतु उस कंपनी के जाकर मैनेजर से जब इस संबंध में वार्ता की गई तो किसी भी प्रकार का एडवांस जमा होने की पुष्टि वहाँ के मैनेजर द्वारा या फिर इस व्यक्ति को जानने की पुष्टि उस मैनेजर द्वारा नहीं की गई। किसान द्वारा जो प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना में बताया गया था वो 4 लाख बताया गया था, परंतु घर वालों से जो बात हुई है उनके द्वारा बताया गया कि ये 2-2.5 लाख रुपए लेके घर से चले गए।